अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बनाई है चिकन बिरयानी जो कि बहुत ही टेस्टी है। इतनी मजेदार बिरयानी को आप मिस करना चाहेंगे नहीं ना। तो इतनी कम इंग्रेडिएंट में हमने ये बनाई है और कैसे बनाई है तो जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें और अपने चाहने वालों को इसे जरूर बनाकर खिलाएं ताकि आप बहुत सारी तारीफें वसूल कर सकें। सबसे पहले गैस के ऊपर एक पतीला रख देंगे और इसमें डाल देंगे एक कप ऑयल। तेल गरम होने के बाद चार मीडियम साइज के प्याज लिए थे जिसको हमने स्लाइस कर लिया है, ये डाल देंगे। प्याज को यहाँ पर गोल्डन फ्राई कर लेंगे और इसे हमें पूरा गोल्डन नहीं करना है, इसे तकरीबन हमें 90% तक फ्राई करना है। तो देखिए यहाँ पर प्याज लाइट गोल्डन होनी शुरू हो गई है। तो यहाँ पर हमने लिया है एक किलो चिकन जिसको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, ये इसमें हम डाल देंगे। चिकन डालकर हमें अच्छी तरह से इसको भूनना है 3 से 4 मिनट तक। 3 से 4 मिनट बाद यहाँ पर 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, एक बड़ी गुड़िया हमने लहसुन की ली है और 2 हरी मिर्च ली है और थोड़ा सा हरा धनिया लेकर हमने इसको मोटा मोटा आप इसको या तो फिर कूट लें या फिर आप इसको मिक्सी की जार में डालकर ऐसे इसको ग्राइंड कर लें तो इसको हमें इसमें डाल देंगे। इसको डालकर भून लिया है हमने अच्छी तरह से करीब 1 मिनट तक। अब इसमें डालते हैं कुछ मसाले जो कि इसमें बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, तो इसमें डालते हैं हम 3 टीस्पून डाल देंगे इसमें हम चाट मसाला। चाट मसाला आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं जो आप पसंद करते हैं। नमक यहाँ पर हम 1 टीस्पून डालेंगे क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है तो एहतियात से डालें। 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 4 मीडियम साइज के टमाटर जिसको हमने स्लाइस कर लिया है ये डाल देंगे। मिक्स करेंगे इसको। इस बिरयानी का जब आप सालन तैयार करेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि बिरयानी बहुत अच्छी बनने वाली है। खाना पकाने वाले जो होते हैं उनको पहले ही पता चल जाता है, जब हम सब मसाले डालते हैं उसकी जो खुशबू आती है, फ्लेवर जो उठते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर अब हम डाल देंगे 1 कप दही हमने ली है जिसमें से आधा दही हम इसमें डाल देंगे। दही को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है तो यहाँ पर आधा दही हमने बचा लिया है। तो देखिए सभी चीजें हमने डाल दी हैं, दही काफी पानी छोड़ता है तो यहाँ पर इसे कवर कर देंगे और इसे मीडियम हीट पर पकने देंगे करीब 10 से 12 मिनट तक और 7 से 8 मिनट इसे हमें भूनते हुए हो गए हैं। तो इतने जो इसके चावल हैं वो हम उबाल लेते हैं। यहाँ पर हमने 800 ग्राम चावल लिए हैं जिसको आधे घंटे के लिए हमने भिगो दिया था, तो अब इसको हम उबाल लेंगे। ये बासमती राइस लिए हैं हमने। एक भगोने में हमने पानी रख दिया था उबलने के लिए। इसमें डाल देंगे 1 सिनेमन स्टिक का टुकड़ा, 2 तेजपात के पत्ते, 3 हरी इलायची, 5 से 6 लौंग और 1 टेबल स्पून जीरा। 3 टीस्पून यहाँ पर नमक डाल देंगे। पानी में उबाल आ चुका है तो यहाँ पर आधा नींबू लेंगे इसका हम, चंद कतरे इसमें डाल देंगे जिससे चावल खिला खिला बनता है। और जो चावल है इसका पानी निकाल दिया है ये इसमें हम डाल देंगे। एक बार इसको हल्का सा मिलाएंगे और बिना ढके इसको 4 से 5 मिनट तक उबलने देंगे। यहाँ पर जो हमने आधा कप दही बचाया था उसमें हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून फूड कलर, 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला। इसकी रेसिपी अपने चैनल पर हम दे चुके हैं, आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं, नहीं तो कोई भी आप बाजार से ले सकते हैं मसाला। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें हम और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। चावल यहाँ पर उबल चुके हैं तो ये तेजपात के पत्ते और सिनेमन स्टिक का टुकड़ा हम यहाँ पर निकाल देंगे। आप ये लौंग इलायची भी निकाल सकते हैं क्योंकि बच्चों वगैरह को ये पसंद नहीं होती। तो यहाँ पर हमारा चिकन भी तैयार है। एक बार इसको चलाएंगे और इतना यहाँ पर इसमें ग्रेवी होनी चाहिए। अब यहाँ पर डाल देंगे दही जिसमें हमने कलर डालकर रखा था, इस तरीके से फैलाते हुए इसमें डाल देंगे। 4 से 5 हरी मिर्च लिए हैं ये डाल देंगे, जो चावल निकाल कर रखे थे ये इसमें फैला देंगे। इसको अच्छी तरह से फैला दें। अब यहाँ पर इसको हम कवर कर देंगे। इसको कवर करने के बाद कोई भी वजनी चीज इसके ऊपर आप रख दें। तो यहाँ पर हमने इस पर हवन दस्ता रख दिया है, 2 मिनट के लिए इसको हम मीडियम फ्लेम रखेंगे गैस का, उसके बाद 6 से 7 मिनट तक हम इसको रख देंगे लो फ्लेम पर और करीब 6 से 7 मिनट बाद हम गैस को बंद कर देंगे और उसके बाद 15 मिनट बाद हम इसको खोलेंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं। 15 मिनट गैस को बंद किए हुए हो गए हैं यहाँ पर और इसे देख लेते हैं। तो देखें चावल अच्छे से पक चुका है, दम में आ चुका है। तो यहाँ पर इसको हम करछी को एक साइड से ले जाते हुए इस तरीके से निकालेंगे।
तो यहाँ पर इसको इस तरीके से हल्का सा मिक्स देंगे हम। तो देखिए यहाँ पर जबरदस्ती बिरयानी बनकर तैयार है, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत कम मसालों में बनी है। तो ये टेस्टी रेसिपी आप अपने घर में जरूर बनाएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली नई रेसिपी मिलती रहे। तो अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें, हमसे इसी तरीके से जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।